हमारा सारा लगेज पैक करके रेडी है, आगे ला के रख दिया है। और आज हम जाने वाले हैं वडोदरा। रिद्धि इतनी खुश नहीं होंगी? नहीं जो होगी ना, आप अपने घर से आते तब खुश होते हो। हाँ तो मैं तो खुश होता हूँ, मुंबई जाना है करके। हाँ, तो मैं भी खुश हो रही हूँ, वडोदरा जाना है। अभी घर पे तो जाना है, लेकिन उससे पहले आज दिनेश पप्पा की एनिवर्सरी है, मतलब दिनेश पप्पा एंड गीता मम्मी, यानी कि रिद्धि के बड़े पापा और बड़ी मम्मी, तो इसलिए सबसे पहले सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। वैसे है ना, मेरे को जब ड्राइविंग करना होता है ना, तो मेरे को भूखे पेट बड़ा मजा आता है, लेकिन यहाँ से जब भी जाता हूँ ना, मम्मी खाली पेट नहीं जाने देते मेरे को। तो ये सूखी भाजी है, थेपला है, दही है एंड बहुत ही चिल्ड छाछ है। थैंक यू। ओ छुंदा भी है, मम्मी भी है, सब है। हम लोग छोटे थे तब से कहीं पे भी जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ खा के निकलते हैं, बिना खाए नहीं जाते घर से। वैसे तो सभी घर से खा के निकलते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मेरे को ऐसा है कि खाली पेट होता है ना, तो मैं बहुत एक्टिव होता हूँ, इसके लिए नहीं खाता हूँ। लेकिन अभी यहाँ से जाना है तो वही खा कर ही जाना पड़ेगा। अरे मम्मी बैसो ना, क्या जाओ जो दृष्टि ने सुबह सुबह भाजी तो इतनी सही बनाई है, लेकिन साथ में अभी मम्मी और दृष्टि ने थेपला भी हमको पैक करके दिया है रास्ते में खाने के लिए। कैसे मम्मी बताएंगे अभी। इसको ना ऐसे बीच में चुंदा लगा दिया है, तो हाथ भी खराब नहीं। दृष्टि ने चुंदा लगा के दिया है, रैप करके खा लेने का, रोल करके खा लेने का। सही है रिद्धि, ऐसा लग रहा है ना हम कहीं परदेश जा रहे हैं। जाने से पहले और पीछे से ना चुपके से दृष्टि ओमर वो सब केक लेकर आ रहा है। बा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बा मम आयु मम। कितनी अच्छी स्माइल थी उसने, देखा। हाँ लेकिन शिवन्या है ना, मेरे को अचानक देखकर डर गई। थोड़ा है ना, अलग अलग लोगों को देख के उसको थोड़ा ऐसा नया नया लगता है, बट शिवांश को नहीं लगता। शिवांश तो खेल रहा है ना दो दिन से हमारे साथ। अभी सब केक कट करेंगे। थ्री स्टार्ट एनिवर्सरी। क्लैप करो, क्लैप क्लैप शिवांश। ओम सुबह सुबह जाकर ही गाड़ी ले आया था, तो ये काम एक हो गया। और शिवांश हमको बाय बाय करने के लिए आया है। हाँ शिवांश, साइकिल गई ना अभी, इसके लिए ऐसे कर रहा है। हाँ शिवांश आओ जो ने ऑल लगेज सेट सूचा भगवान देवान से। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। अभी रिद्धि ना वापस ऊपर जा रही है, घर का चप्पल पहनकर नीचे आ गई थी। होता है भाई, सबको ऐसा होता है, मेरे को भी बहुत सारी बार ऐसा हुआ है। जल्दी जल्दी में ना सब भूल जाते हैं, और ऊपर से मम्मी पापा को छोड़ के जाते हैं ना भाई, तो और चीजें दिमाग में आती नहीं, फिर हमारा ध्यान पूरा उसी में ही होता है। और ये फीलिंग भाई मैंने फील तो कभी नहीं की, लेकिन समझ जरूर सकता हूँ। हाय शिवन्या, हेलो, आओ चे शिवन्या ने। नहीं नती आओ, बाय बाय। चलो जीजो देवो, वो फोन जो जो पप्पा भाई मम्मी चिंता नहीं करता। बाय 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 बाय, पापा बोल रहे रिद्धि की नहीं आपकी चिंता हो रही है। अभी ना ये वाली शॉप से एक पार्सल भी कलेक्ट करना है रिद्धि को। भैया बाहर खड़े देख रहे, इधर देखे, फोन करने ना, फोन करने फोन। आ गया, चलो सही है, नहीं तो भाई उतर के वहाँ जाना पड़ता। आ गया पार्सल, चलो अभी सीधा किधर रुकेंगे? जहाँ आपको रुकना हो वहाँ पे। ओह माय गॉड, यू आर सो पतिव्रता पत्नी। वैसी मैं नहीं हूँ, बट आपको जहाँ रुकना है वहाँ रुकेंगे। चलिए अभी ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है अपनी, 415 किलोमीटर जाना है हमको यहाँ से।
और अभी दिखा रहा है 8:30 बजे, लेकिन देखते हैं अभी कितने बजे घर पे पहुंचते हैं। पूरे रास्ते पे पिंक कलर के फ्लावर्स लगे और वो भी कैसे पता है, एकदम वो जो हम देखते हैं ना पिक्चर वाले, वो पिक्चर वाले नहीं, हम लोग जो बनाते ना ड्राइंग में, जो सामने आपको दिख रहा है ना उसकी बात कर रहा है। पूरे रोड पर जहाँ से हम आ रहे हैं ना वहाँ से ये कंटिन्यूसली ऐसे चल रहा है। सीट कवर कैसे डाले हुए हैं, जैसे कोई बंदे हमारी तरफ देख रहे हो ना, किसी का फेस हो ना ऐसे लग रहा है। गॉगल्स भी पहना है और वो ब्रेक मारता है तभी वो गॉगल्स में रेड कलर की लाइट, देखो, देखो 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 लाइट हो रही है। भाई लोगों को क्या क्या शौक रहता है, क्या गंदा वाला ट्रैफिक जाम है। अभी इधर 13 मिनट का जाम दिखा तो रहा है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है ना, मेरे को लगता नहीं 13 मिनट में हम निकल पाएंगे यहाँ से। अगर मुंबई आते और ट्रैफिक जाम ना मिले तो भाई आपका मुंबई आना वसूल नहीं है, एक बार तो फंसना पड़ता ही पड़ता है। घर से निकल के ना 1 घंटा भी नहीं हुआ है और इसको भूख लग गई। मस्त है। फाइनली भाई ट्रैफिक जाम से निकल गए, होटल फाउंटेन आ गई, यानी कि भाई मुंबई से बाहर हो अभी। अभी यहाँ से ट्रैफिक जाम की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है आगे, और रास्ते भी बहुत बढ़िया है, खुले खुले। इन मौसम है ना बारिश भी शुरू हो गई है, ये देखिए आपको छींटे दिख रहे होंगे, 5-6 बूंदे गिरी है बड़ी बड़ी, लेकिन भाई बिल्कुल भी मौसम नहीं है ये बारिश का। और अभी सामने देखो पहाड़ भी है बड़े बड़े, लेकिन दिख नहीं रहे क्योंकि आज सुबह जब से उठे ना मुंबई से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसा ही मौसम है, धूप है ही नहीं, पूरा फॉगी एटमॉस्फेयर है। अभी हम हाईवे से नीचे उतर रहे हैं और एक हमारी जो परमानेंट प्लेस है वहां पर जा रहे हैं, जहां पर हम हमेशा जाते हैं हाईवे से जाते हैं, तो आते वक्त भी और जाते वक्त भी। मैं इतनी छोटी थी ना तब से यहाँ पे जाती हूँ। हाँ, और वो कहा वो भी दिखेगा आपको। यस, कपड़े स्वच्छ। अरे भाई साहब, पाउडर निर्मा। इधर है ना हॉर्न मार के पहले बता देना पड़ता है भाई अपन आ रहा है, तो अगर तुम भी आ रहा है तो तुम रुक सकते हो। और ये यू टर्न मारना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें आना था अन्नम। यहाँ के मिसल पाव और वड़ा पाव क्या बेहतरीन होते हैं रिद्धि। आप यहाँ पर आओगे तो ये आपको खा के ही जाना, ये एक बार टेस्ट करोगे ना तो आप हमेशा यहाँ पे आके रुकोगे। ये रेस्टोरेंट मेरे नाना ने बनाया है, मैं जब भी छोटी थी तब। और ऐसा नहीं है कि नाना ने बनाया इसलिए आ रहे, इसका फूड भी बहुत ही सही है। अरे वाह, मिसल पाव खा भी लिया और घर के लिए ढेर सारे वड़ा पाव पैक भी करवा लिए। हर टाइम हम लोग है ना गाड़ी से उतर के ला रहे, शॉर्टकट मार के आते हैं, आज हम लोग प्रॉपर रास्ते से, आई थिंक सो फर्स्ट टाइम। ये लीगल रास्ता ही है इसका, लेकिन हम लोग है ना वो सब कूद बांध के आते उधर से हमेशा। और इधर हम इतना रुके के 8:30 का भी 9:30 दिखा रहा है, मतलब अभी घर पे हम 1 घंटा लेट पहुंचेंगे। मम्मी देखो मुझे क्या भेज रहे। चलो बेटा अभी तुम्हारा जग आवी गया, अभी पधारो, तुम्हें खारा पानी वाली जगिया है। बोल रहे कि अभी तुम्हारे जग आ गए, अभी खारा पानी यानी वो नमक वाला पानी होता है ना यहाँ पे वडोदरा में, तो बोलते सब जगह नहीं होता है बट हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे पानी थोड़ा वैसे आता है, तो मम्मी बोल रहे पधारो आपका जग आ गया है अभी। और ये जग किस लिए पता है, बाल धोने के लिए। वाह रिद्धि वाह। हाँ, क्योंकि मैं जब शादी करके यहाँ पे आई थी ना तो मेरे हेयर फॉल हो गए, ये पानी की वजह से, शार वाला पानी आता है यहाँ पे। मीशु भाई भी उससे ही धोते, मैं और भाई दोनों, वही ना बड़े लोग दो ही है हमारे घर में। शाम के 6:30 बज गए, अभी भी 130 किलोमीटर बाकी है और अंधेरा ऑलमोस्ट होने आया है। और दूसरी बात, डीजल भी भरवाना है। और तीसरी बात, रिद्धि को चाय भी पीनी है, पता नहीं आज उसको चाय पीने का मन कर गया अचानक से। तो अभी एक अच्छी सी जगह देखकर अपनी गाड़ी को डीजल पिलवाएंगे और रिद्धि को चाय पिलाएंगे। अभी आगे इधर वहाँ पर गाड़ी पार्क किए और सुसु बड़ी जोर से लगी थी ना तो व्लॉग नहीं किया, पहले सुसु कर ली। और अभी देख रहे हैं कि क्या खाना है। वैसे यहाँ पर घी वाली जलेबी बहुत ही सही मिल रही है, मेरे पीछे यहाँ पर तल रहा है तो उसकी स्मेल आ रही है बहुत ही अच्छी वाली। देसी घी जलेबी और मैं बट्टा का वड़ा खाने वाली हूँ। ओके, और चाय नहीं पीनी? चाय पीनी है ना। वाह जी, आ गया हमारा गर्मा गर्म फाफड़ा और ये आ गई भाई हमारी गर्मा गर्म घी की जलेबी, साथ में संबारो बोलते हैं ना इसको रिद्धि, पपैया पपीता होता है ना उसका ये होता है, और भाई मस्त तली हुई मिर्ची
और अभी और आएगा खाना बटाटा वड़ा। ये देखो आ गया बटाका वड़ा। सब फूड बहुत टेस्टी था। थैंक यू, बहुत मस्त था। चलो अभी फटाफट घर पे। थैंक यू क्या, मैंने नहीं बनाया था, दादा ने बनाया था। फाफड़ा कितना सॉफ्ट। वाह। बाय बाय होटल जलाराम काठियावाड़ी। हम है ना हर बार इधर रुकते हैं लेकिन सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए। इस बार पहली बार इधर नाश्ता किया लेकिन सच में मजा आया और कुछ अलग ही मिला। बहुत अच्छा मिला। फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है इधर। 7:11 इधर ही हो गई और अभी देखो 9:45 दिखा रहा है ना। मैंने बोला था ना भाई 9:15 से 9:45 हो जाएगा। एंड हाँ भाई हमारी पेट पूजा तो हो गई लेकिन इसकी पेट पूजा अभी भी बाकी है भाई। टंकी खाली है और सामने पेट्रोल पंप भी है तो अभी ये भी हो जाएगा। अरे बंद है या चालू है? ये ग्रीन वाला कौन सा है? एक्स्ट्रा ग्रीन? नो वी डोंट वॉन्ट एक्स्ट्रा ग्रीन। रेगुलर वाड़ू है ना, डीजल रेगुलर वाड़ू है ना। फाइनली आ गया वडोदरा। वेलकम बैक होम। थैंक यू। वो कहाँ गया मोटू? कौन मोटू? अपना डॉगी, सोसाइटी वाला। सोसाइटी वाला वो तो भी इधर थोड़ी दिखेगा, अपने घर के पास ही किधर मंडरा रहा होगा। ये बैठा अपना डॉन। कोई भी बाहर का आता है ना ये सोसाइटी हाँ। वाले को छोड़ के सीधा उसको ऐसे चिपक जाता है। कैसे चिपक जाता है? ऐसे वो कर लेता है वो भाई सबके पीछे भागता है। ए पापा देख रहे हैं। पापा वेट करके ही बैठे होंगे। मेरे क्राइम पार्टनर। अरे बस दरवाजा सुनो। अरे डोर डोर डोर। अरे बस ये लोगों की जुम्मा चाटी खत्म नहीं होगी। अभी रोने वाले हैं बस 2 मिनट वहाँ पे। वो मम्मी एकदम रो रो के निकल, अभी ये मम्मी यहाँ पे वेलकम। मतलब तू आई इसलिए रोने के दिन शुरू ऐसा। मैम क्या कर रही थी फिर इतने दिन? क्या कर रही थी? छुपा छुपी खेल रहे थे। वेट कर रही थी। हाय। ओ पापा खालो खालो खाना खालो खाना खालो। विशु तो उसके फ्रेंड्स के साथ बाहर गया है तो ये सारा सामान मेरे को अकेले निकालना पड़ेगा। मेरे को ना पोटी बहुत जोर से आई थी तो भाई मैं सबसे पहले वो काम निपटा के आया और इधर देखा तो ये देखो बैठे बैठे सब बातें कर रहे है। हमें भी पोटी लगी थी बट एक साथ सब बाथरूम में जा नहीं सकते। आज तो बहुत थक गए तो अभी सीधा ऊपर जाके सो ही जाएंगे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दे देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।